अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। काशिफ फ्रेंड की जानिब से आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करने जा रहे हैं। आपको पता है कि पीएमसी की जानिब से जब शेड्यूल अनाउंस किया गया था एमडी कैट 2022 के हवाले से, तो वहां पर एक ऑप्शन दिया गया था कि आप 20 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक जो है वो अपनी एमडी कैट की जो है वो डेट सिलेक्ट कर सकेंगे। आज आपको पता है कि 20 जुलाई आज जो है ये शेड्यूलिंग ओपन हो जानी चाहिए थी, मगर अब यहाँ पर पीएमसी की जानिब से जो है वो एक ट्विस्ट लिया गया है और डेट को एक्सटेंड किया गया है। डेट में ये एक्सटेंशन क्यों आई है, अब पोर्टल कब ओपन होगा, इसकी क्या रिजल्ट है, मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। उससे पहले एमडी कैट की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आप काशिफ राइट का एलएमएस ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपके लिए टोटली तौर पर फ्री है। आपके लिए यहाँ पर अनलिमिटेड प्रैक्टिस अवेलेबल है, यहाँ पर मल्टी लेयर टेस्ट हैं, पीएमसी के पेड टेस्ट हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपके लिए टोटली फ्री अवेलेबल है। अभी यहाँ पर प्रिपरेशन स्टार्ट करें, इसका लिंक आपको पिन कमेंट और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं डेट सिलेक्शन के वाले से आपसे बात करता हूँ। देखिए डेट कैसे सिलेक्ट करनी है, उस वाले से तो ऑलरेडी मैं एक वीडियो डिटेल में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, कम्प्लीट आपको डेमो भी दिखाया था, आप वो चेक कर सकते हैं। बेसिकली जब पीएमसी की जानिब से रजिस्ट्रेशन ओपन की गई थी, तो उन्होंने कहा था कि जी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस पे यहाँ पर जो है वो आपने डेट सिलेक्ट करनी है, यानी कि वो स्टूडेंट जिसने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की होगी और उसके साथ साथ फी भी सबमिट की होगी, तो उसके पास ये ऑप्शन होगा कि वो अपनी मर्जी की कोई भी डेट यानी कि 30 सितंबर तक जो है ये डेट सिलेक्ट कर सकता है। जो नॉर्मल शेड्यूल था उसमें ये था कि 15 जुलाई तक आपकी रजिस्ट्रेशन लेट फीस के साथ कंटिन्यू रही और उसके बाद 20 से 25 तक जो है आपने डेट सिलेक्ट करनी थी। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम आया कि पीएमसी की जानिब से पहले वो स्टूडेंट जो अंडर 16 थे उनकी जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही थी, तो अब उनके लिए जो है वो एक स्पेशल पोर्टल ओपन किया गया जिसमें उनसे कहा गया कि जी आप भी जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप अंडर 16 ही हैं। तो उस पोर्टल के ओपन होने की वजह से पीएमसी की जानिब से जो है यहाँ पर ये आपका डेट सिलेक्शन का जो प्रोसेस है उसको डिले कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि पहले वो प्रोसेसिंग वो पोर्टल ओपन हो जाए, सारे स्टूडेंट एक बार अप्लाई कर दें, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को देखा जाएगा, सीट्स देखी जाएंगी और फिर बच्चों को ऑप्शन दिया जाएगा कि आप अपनी डेट सेलेक्ट करें। जो मेरी डिस्कशन हुई है उसमें उन्होंने कुछ अदर फैक्टर्स का भी नाम लिया है, अब उन अदर फैक्टर की उन्होंने यहाँ पर डिटेल तो नहीं बताई कि वो अदर फैक्टर्स क्या है, लेकिन आपको डेफिनेटली बात है पता है कि सेनेट का भी इजलास होने जा रहा है। इजलास के साथ साथ ये है कि फिर वहां पर जो पीएमडीसी के बिल के हवाले से भी काफी चीजें एक्सपेक्टेड हैं, तो एक रीजन यहां पर ये भी हो सकती है। लेकिन जो दो बेसिक रीजन है, यानी कि एक तो उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दी कि अंडर 16 वाला जो है वो इशू चल रहा था और दूसरा अदर फैक्टर्स का उन्होंने नाम दिया है, तो इन दो फैक्टर की वजह से फिलहाल आपका डेट सिलेक्शन का ऑप्शन बिल्कुल भी ओपन नहीं होने जा रहा। अब आपका जो डेट सिलेक्शन का ऑप्शन है वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक से एक्टिव होगा। जैसे ही एक्टिव होगा काशिफ राइट तमाम डिटेल आपके साथ शेयर कर देगा। अगर काशिफ राइट की ये अपडेट अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, काशिफ राइट से नए हैं तो काशिफ राइट को सब्सक्राइब कर लें। एमबीबीएस अब्रॉड के लिए आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।